अधिक होने की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर नहीं कर पा रहे यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे मंत्रालय कुछ रूटों पर वंदे भारत का किराया कम करने की तैयारी कर रहा है। जिन रूटों पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के किराए ही कम होने की संभावना है कि उनमें ऑक्यूपेंसी रेट बहुत कम आ रहे हैं। इनमें कुछ ट्रेनें हाल ही में चली हैं और कुछ पुरानी भी शामिल हैं। रेलवे मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मौजूदा समय में देश के विभिन्न हिस्सों में कुल 23 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। इनमें से ज्यादातर रूटों पर चलने वाली वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी रेट बहुत अच्छा है। कुछ का ऑक्यूपेंसी रेट 100% से ऊपर है, एक वंदे भारत का 200% के करीब है। वहीं कुछ रूटों पर चलने वाली ट्रेनों का ऑक्यूपेंसी रेट काफी कम आ रहा है। इनमें से कुछ कम दूरी के बीच चलने वाली है, जिसका एक बड़ा कारण किराया अधिक होना है। हाल ही में भोपाल से शुरू दो वंदे भारत में ऑक्यूपेंसी रेट 30% से नीचे जा रहा है। इसमें भोपाल इंदौर वंदे भारत में केवल 21% और भोपाल जबलपुर में 29% के करीब ऑक्यूपेंसी रेट है। भोपाल से इंदौर की दूरी 240 किलोमीटर है और वंदे भारत से 3 घंटे 5 मिनट का समय लग रहा है। वहीं भोपाल से जबलपुर की दूरी 330 किलोमीटर है, वंदे भारत से 4 घंटे 35 मिनट का समय लगता है। संभावना है कि दूरी कम और अन्य ट्रेनों के मुकाबले किराया अधिक होने की वजह से यात्री अन्य ट्रेनों से सफर कर रहे हैं। इस वजह से रेलवे किराया कम करने के लिए समीक्षा कर रहा है।